गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। आज हमारे एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 9th, चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 9, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मोस्ट प्रोबेबली लास्ट डे। मोस्ट प्रोबेबली क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, चीज़ें पढ़ाते पढ़ाते हम लोग भी गुम हो जाते हैं कि आपको और एक्स्ट्रा नॉलेज दें, हम ये सोचते रहते हैं। तो हो सकता है कि एक्सटेंड हो जाए, कुछ नई चीज़ें मिल जाए, तो ठीक है। बाकी जनरली मैं आपको बोलूँ तो क्या आपका लास्ट डे है इस चैप्टर का, पढ़ाई का लास्ट डे नहीं है, वो कभी नहीं आता। पढ़ाई का लास्ट डे कभी नहीं आता, ठीक है। तो ये किसका है? आपकी इस चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का लास्ट डे है मोस्ट प्रोबेबली। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में हम लोग बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, सेल होती है, ठीक है। सेल क्या होती है, सेल की डिस्कवरी किसने की थी, सेल कहाँ कहाँ काम आती है, सेल कितने टाइप की होती है, सेल ऑर्गेनली क्या होते हैं, सेल के ऑर्गेनली कौन कौन से होते हैं, सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कौन बनाता है, फ्लो चार्ट की मदद से हमने सारी चीजें समझी थी, ठीक है। और इसके अलावा क्या समझा था कि डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्कवरीज किसने की थी, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते पढ़ते और क्या पढ़ा साथ में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते पढ़ते साथ में और क्या पढ़ा था कि क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते पढ़ते पढ़ा कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशन है वो कैसे वर्क करता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कैसे वर्क करता है, ऑस्मोसिस कैसे होता है, डिफ्यूजन कैसे होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम स्टडी कर चुके हैं इस चैप्टर में, ठीक है। एक बार गोइंग थ्रू होते हैं फटाफट से। ये कॉर्क्स है सेल की, कैसे डिस्कवरी हुई थी सेल वॉल की, एक्टिविटी हमने की थी, करेंगे और भी बची हुई अगर एक्टिविटी टाइम मिला तो। और ये माइक्रोस्कोप, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्कवरीज, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, याद है ना, भूल तो नहीं गए। नेक्स्ट सेल के टाइप्स, क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर होता है और डिवीजन ऑफ फंक्शंस होते हैं, डिफरेंशिएशन इन फंक्शन होता है, तो हर चीज अलग अलग टाइप से मॉडिफाई होगी, उसके अकॉर्डिंग फंक्शन करेगी, ठीक है। हमारी बॉडी में हर टाइप के ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनली मौजूद हैं फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल, ठीक है। नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बता चुकी हूँ मैं आपको, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ठीक है। एक रिवर्स ऑस्मोसिस भी फिनोमेना होता है बच्चों, आपको आगे देखने को मिलेगा, क्या रिवर्स ऑस्मोसिस। ये कुछ नहीं है बस इतना ही है। रिवर्स ऑस्मोसिस कहाँ देखने को मिलता है आपको? एक तो फिल्टर का पानी पीते हो आप लोग, फिल्टर वाटर, आरओ का पानी, सुना है? ये ऑस्मोसिस प्रोसेस का वाइस वर्सा है। वाइस वर्सा मतलब कि मैकेनिज्म जो होती है ऑस्मोसिस में उसकी ऑपोजिट मैकेनिज्म शो करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट एक्सेल की एक्टिविटी, रेजिन्स की एक्टिविटी, देन डिफ्यूजन, उसके बाद ये हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चंस, सेल वॉल पढ़ चुके हैं, डिस्कवरी ये वाली देख चुके हैं, न्यूक्लियस पढ़ चुके हैं, ये एक्टिविटी हो गई हमारी न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, जीन, चीजें क्लियर हैं? क्रोमोसोम, जीन, प्रोटीन, डीएनए, सब चीजें क्लियर कर लेना फटाफट से। नेक्स्ट ये हम स्ट्रक्चर देख चुके हैं, साइटोप्लाज्म पढ़ चुके हैं, इसमें डिफरेंस मैंने आप लोगों को करके दिखाया था, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स में हमने कौन कौन से ऑर्गेनेल्स पढ़ ली, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारी हो गई थी। ये एनिमल सेल हमने मेरे को डिस्कवर करवा दी थी, कैसे लेबलिंग कैसे करोगे बता दी थी मैंने, ये प्लांट सेल की लेबलिंग कैसे करोगे बता दी थी मैंने। नेक्स्ट गॉल्जी एपरेटस, गोल्ड सिस्टम, GERL, गोल्ड, गोल्ड की स्पेलिंग GIRL, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ भाई, थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ,
गोल्ड ये याद होना चाहिए, गोल्ड मतलब गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हो सकता है? राइबोसोम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर हुआ तो क्या हुआ, वो रफ वाली होगी, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगी। नहीं हुआ तो SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कौन भाई साहब है? कैमिलो गोल्गी है। कहाँ डिस्कवर किया था? ये पढ़ चुके हैं अपन, ये पढ़ चुके हैं क्या अपन? गोल्गी बॉडी का डिस्कवरी कैसे हुई थी, कहाँ हुई थी? डन है ये। नेक्स्ट, लाइसोसोम सुसाइडल बैग्स डाइजेस्टिव एंजाइम कैरी करता है, फॉरेन मटेरियल को वॉर्न आउट कर देता है, सेल को भी कर देता है, सेल में आने वाले फॉरेन मटेरियल। ठीक है, फॉरेन मतलब इधर फॉरेन मटेरियल कौन से होते हैं? जो जिसके लिए रिसेप्टर्स या जो सेल के लिए इसेंशियल नहीं है, जबरदस्ती आके घुस गए वो। ठीक है, तो लाइसोसोम जो सुसाइडल बैग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सेल के अंदर अगर कुछ गड़बड़ चल रही है तो ये सेल को भी खा जाएगा, मतलब रप्चर कर देगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ एनर्जी, पावर हाउस ऑफ द सेल। कौन है माइटोकॉन्ड्रिया? डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, होता है कि नहीं होता है? ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टी बनाती है, इंटरनल जो मेम्ब्रेन है वो क्रिस्टी बनाती है। ठीक है, और इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्योंकि क्या, अपना डीएनए रखता है ये, और अपनी राइबोसोम फैक्ट्री, डीएनए खुद रख रहा है, राइबोसोम रख रहा है, मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस भी खुद कर रहा है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन बोलता है। लेकिन अपने डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज के लिए वो डिपेंड किस पे रहता है? वो डिपेंड किस पे रहता है? वो न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिटी बोलते हैं। नेक्स्ट, प्लास्टिड। प्लास्टिड का मैंने आप लोगों को कहा था कि एमाइलोब्लास्ट, क्या क्या एमाइलोब्लास्ट, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, ठीक है, इलियोप्लास्ट, ये चीजें क्या है? पढ़ने के लिए कही थी मैंने, देखने के लिए। अगर वो कार्बोहाइड्रेट का फूड की फॉर्म में सिंथेसिस कर रहे हैं, ल्यूकोप्लास्ट मतलब कलरलेस, कलर नहीं है, इसके फर्दर टाइप्स हैं। ठीक है, अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट का करता है, किसका? कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करता है। इलियोप्लास्ट फैट का, ठीक है, इलियोप्लास्ट फैट का। अब एक काम करना है अपने को, क्या? प्रोटीन का ढूंढना है, किसका? प्रोटीन का ढूंढना है। क्लियर चीज, चीज क्लियर। ऐसा ही कुछ नाम मिलेगा, देखना, एमाइलो, इलियो, ये एलियो लियो मैगी बिल्कुल नहीं है भाई, अभी ट्रेंडिंग चल रही है ना। सो आगे चीजें बढ़ने से पहले एक अच्छा सा काम कर दो बच्चों, फटाफट से। आपको पता है और बार बार हम बता रहे हैं कि ऊपर आपके आका हैं और नीचे आपके काका हैं, तो फटाफट से जाइए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, भला कर दीजिए दूसरों का, एंड सब्सक्राइब कीजिए। So, ताकि फटाफट से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और फटाफट आप बिना किसी डिले के, बिना किसी एक्सक्यूज के क्लास में पहुंच जाओ। नेक्स्ट हम बात करें इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट क्या है भाई? आपको अच्छे से पता है क्लोरोप्लास्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो प्लांट सेल्स हैं, है ना, या फिर कुछ बैक्टीरियल या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम कह सकते हैं, वो ऐसे भी हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं। ठीक है, किससे? कुछ सनलाइट से बनाते हैं। ठीक है, सनलाइट से कैसे बनाएंगे? जब उस सनलाइट को कोई चीज जो होगी अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी और फिर उसे चेंज करेगी, किसमें भाई? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी या फूड के अंदर वो चेंज करेगी। ठीक है, उसको चेंज करने के लिए, है ना, उसको चेंज करने के लिए किसकी जरूरत होती है?
क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट की जरूरत होती है। किसकी? क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट क्या है हम आगे पढ़ते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, चलिए यही पढ़ लेना है ना, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, पहली बात खत्म। ठीक है, अब इसमें होते क्या है, कुछ ग्रेन्यूल होते हैं काय के, ऑयल के और प्रोटीन के। मान लीजिए कि ऑयल के हैं और ये प्रोटीन है, या एक्सचेंज मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप स्ट्रक्चर देखोगे पता चल जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, इसमें स्ट्रोमा होते हैं। कैसे? स्ट्रोमा होते हैं, स्ट्रोमा लैमेले होते हैं। दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है वैसे ही क्लोरोप्लास्ट से अपना डीएनए रखता है भाई साहब ये, और अपना अपना राइबोसोम रखता है ये प्रोटीन के सिंथेसिस करने के लिए। इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहर की स्ट्रक्चर के लिए वो माइटोकॉन्ड्रिया से दिखता है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। क्लियर चीजें, कि अपना डीएनए रखता है, अपना राइबोसोम रखता है क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करें हम वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या काम करती है, ये स्टोरेज करने का, किसका, लिक्विड एंड सॉलिड बोथ कंटेंट्स। वैक्यूल्स कुछ नहीं है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है? सबसे पहली चीज, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्लियर चीजें। करती क्या है ये, स्टोरेज का काम करती है। स्टोरेज का, किसकी स्टोरेज का काम करती है? हाँ, लिक्विड, लिक्विड प्लस सॉलिड। ठीक है, ठीक है क्या बच्चों, क्लियर हो गया इतना? ठीक है, आगे नेक्स्ट। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल्स व्हाइल प्लांट सेल्स हैव बिग वैक्यूल। एनिमल सेल्स में वैक्यूल का साइज छोटा होता है, लेकिन प्लांट सेल्स में क्या होती है, बड़ी होती है वैक्यूल्स। उसमें ज्यादा चीजें इकट्ठे होने की जरूरत है। मुझे एक बात बताइए, क्या आप ऐसा करते हैं क्या कि एक साथ खाना खा लिया और बाद में उसको डाइजेस्ट करते रहे, मतलब 7-8 दिन का खाना एक बार में खा लिया, फिर 7-8 दिन खाने की नीड नहीं है आपको, तो फटाफट मिल जाती है चीजें। लेकिन प्लांट्स में ऐसा है क्या? प्लांट्स को मान लीजिए कि अगर बारिश हुई कंटिन्यूस 3 दिन, सन नहीं दिखा, ठीक है, सन इज मिसिंग, सूरज दादा को ढूंढने जाएंगे क्या प्लांट्स, कि भाई आप आओगे तो हम खाना खाएंगे वरना हम भूखे मरेंगे। लगता है ऐसा होने वाला है कि आप आओगे तो हम खाना खाएंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, भूखे मरेंगे, हम कुछ नहीं करने वाले, है ना, ऐसे करते होंगे प्लांट्स, स्टोरेज करके रखते हैं ना चीजों को प्लांट्स। ठीक है, तो वैक्यूल्स क्या है, बड़ी साइज की हो गई अगर प्लांट्स में, तो क्या करेगी वो, न्यूक्लियस की जगह को घेर लेगी। मतलब न्यूक्लियस जहां प्रेजेंट होना है, वैक्यूल्स बड़ी हो गई तो न्यूक्लियस को धक्का दे देगी, चल पे मेरे को रहने का है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर चीजें, चलिए बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आगे चलते हैं। While plant cells have very large vacuoles, the central vacuole of some plant cells may occupy 50 to 90% of cell volume. देख लिया कि 50 से 90% volume जो सेल का है, कौन अकेली लेके बैठी है वैक्यूल, एक तरफा कब्जा करती है। ठीक है, the plant cells vacuoles are full of cell sap. ठीक है, प्लांट सेल में क्या होती है, वैक्यूल के अंदर सेल का सैप, सैप मतलब लिक्विड, और लिक्विड कौन सा, सिर्फ पानी नहीं, उसमें कुछ अदर इंग्रेडिएंट्स भी मौजूद होंगे, एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू दिस सेल। हाँ, अब टर्जिडिटी और रिजिडिटी क्या होती है, पानी फूलना और उसको मेंटेन रखना, पानी फूलना, टर्जिडिटी, उसके अंदर जो भी सैप है वो इकट्ठा हो गया, एक स्ट्रक्चर बनाना, टर्जिडिटी, उसे बनाए रखने की प्रॉपर्टी रिजिडिटी ऑफ द सेल। ठीक है,
many substances of importance in the life of the plant cell are stored in vacuoles. ठीक है, बहुत सारे important substance जो है वो vacuoles में भरे रहते हैं. चीजें clear? These include amino acids. मैंने क्या बोला था, liquid में और भी चीजें होंगी. कौन कौन सी है समझिए. अमीनो एसिड्स, शुगर्स, अमीनो एसिड, शुगर्स प्लस और क्या होते हैं, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स. ऑर्गेनिक एसिड लिख देते हैं हम. ऑर्गेनिक एसिड प्लस अमीनो एसिड मतलब, अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन्स. ट्रू, आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे कि प्रोटीन को ही अमीनो एसिड्स का पॉलीमर बोलते हैं. ठीक है, चीजें क्लियर. इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म हम स्टडी करते हैं कहीं भी एग्जांपल लेने के लिए, जैसे आपको स्मॉलर, ऐसा तो ना कि अगर अपन किसी क्लास को या किसी चीज को एग्जांपल ले रहे हो तो हम इजी चीज को एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले जो लेते हैं कि भाई इजी भी हो और हमारी स्टडी पर्पस के लिए वैल्यूएबल भी हो. सो हम किसका एग्जांपल लेते हैं, अमीबा का. अमीबा के बारे में आप सब अच्छे से जानते हैं क्योंकि आपने अगर लेक्चर्स देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं रिवर्स जाइए चैनल पे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना. क्यों? क्योंकि फिर वापस रह जाओगे. ठीक है, आगे द फूड वैक्यूल्स जो है, उस फूड वैक्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, अमीबा के अंदर. अमीबा इरेग्युलर शेप की होती है, दूसरे कलर से बना लेते हैं. ठीक है, दूसरे कलर से बना लेते हैं अमीबा. अमीबा इरेग्युलर शेप की होती है, इसमें वैक्यूल प्रेजेंट होती है. ये क्या है, फूड वैक्यूल है. और अमीबा क्या करती है भाई लोगों, अमीबा अपना फूड लेने के लिए क्या बनाती है, स्यूडोपोडिया, झूठे पैर बनाती है. ठीक है, नेक्स्ट, अमीबा हैज कंज्यूम फूड आइटम, जो अमीबा ने कंज्यूम किए हैं, जैसे और भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्होंने क्या करे हैं, फूड को अपने अंदर एंगल्स किया है, फूड को अपने अंदर लिया है. उनके अंदर मौजूद जो वैक्यूल्स है वो क्या करती है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. किस लिए, एक्सेस ऑफ वाटर को बाहर निकालने के लिए और वेस्ट को बाहर निकालने के लिए. ठीक है, एक तो वो वैक्यूल क्या काम कर रही है, स्टोरेज का. दूसरा क्या काम कर रही है वो वैक्यूल, दूसरा काम वो वैक्यूल क्या कर रही है बच्चों, वो क्या कर रही है, वाटर एक्सेस जो है, एक्सेस जो मतलब जो वेस्ट मटेरियल है सेल का, उसको बाहर भी निकाल रही है साइमल्टेनियसली, मतलब अंदर स्टोरेज करने का और बाहर फालतू चीजें बाहर निकालने का. चीजें क्लियर, क्लियर चीजें. नेक्स्ट आते हैं आपके कुछ क्वेश्चंस. ठीक है, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. कैन यू नेम द टू ऑर्गेनेली वी हैव स्टडीज दैट कंटेन देयर ऑन जेनेटिक मटीरियल. ठीक है, बहुत इजी है बच्चों, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना. कौन कौन से, एम से माइटोकॉन्ड्रिया एंड सी से क्लोरोप्लास्ट. सी एम से याद रखेंगे अब भाई. एक बात बताओ आप, सीएम के पास पावर्स होती है क्या, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, पावर्स होती है, लेकिन क्या पूरी पावर्स होती है, नहीं ना. उसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना एक उस पर दबदबा बनाए हुए हैं, अपना एक हक बनाए हुए हैं उसके ऊपर, तो वो ऑटोनोमस तो नहीं है, क्या है, सेमी ऑटोनोमस. चीजें क्लियर, सीएम मतलब क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया, चीफ मिनिस्टर नहीं. चीफ मिनिस्टर नहीं. आप बोलोगे मैम सीएम मतलब तो आपने चीफ मिनिस्टर बताया था, ये चीजें समझने के लिए आपको बताई जाती है कि आप रिलेट कर सके चीजों को. ठीक है, अब रिलेट किया सीएम, उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेशर बना के रखी हुई, एग्जैक्ट वैसे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया है, और इन पे प्रेशर कौन बना के रखी हुई है, न्यूक्लियस. ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन बोलते हैं. और मेनली करते क्या है ये दोनों, अपना खुद का डीएनए रखते हैं, अपने खुद के राइबोसोम्स रखते हैं. चीजें क्लियर हो गई क्या, वेरी गुड. नेक्स्ट, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, वॉट विल हैपन. भाई कोई केमिकल डिजास्टर हो गया सेल में, क्या होगा, सेल बोल रही है ठीक है, हो गया खत्म, हम
कौन है हमारे पास? याद कीजिए, कौन है हमारे पास? लाइसोजोम, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड वोट बच्चों. सुसाइडल बैग जो क्या करता है, बाहर से आने वाले फॉरेन केमिकल्स जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है उनको अंदर सेल की जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिलीज है, केमिकल्स है, हमारे काम के नहीं है, खा के खत्म. ठीक है, क्लियर? क्या क्या क्वेश्चन आपके पास? इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इंफ्लुएंसेस, व्हाट विल बी द हैपन? द लाइसोसोम विल बी एक्टिवेटेड, इट विल व्हाट डू? सारी मैकेनिज्म लाइसोसोम की लिख दो. ठीक है, इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स मौजूद होते हैं और वो एंजाइम क्या करते हैं, रप्चर कर देते हैं सेल को. अब देख लो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लगभग सेम है कि व्हाई लाइसोसोम आर कॉल्ड और व्हाई लाइसोसोम इज नोन एज सुसाइडल बैग्स. ठीक है, चीजें क्लियर कर दोगे. आगे, वेयर आर द प्रोटीन सिंथेसाइज इन दी सेल? राइबोसोम में, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम. अब आप लोग लिखेंगे क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर मौजूद, उनमें से भी किस पर? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर मौजूद राइबोसोम जो हैं वो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं. ठीक है, वो क्या हो गए, प्रोटीन सिंथेसिस का कौन करता है, फैक्ट्री कौन सी है? आर फोर राइबोसोम. ठीक है, क्लियर चीजें? Each cell thus acquires its structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelle in specific ways. ठीक है, कोई भी सेल कब काम करती है, जब उसकी membrane, ठीक है, और उसमें मौजूद सेल ऑर्गेनिली आपस में एक स्पेसिफिक फिनोमेना में स्पेसिफिक तरीके से एक सामंजस्य, एक बैलेंस बनाकर, एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं इसको, हम ऑर्गेनाइजेशन बनाकर काम कर रहे हैं. मुझे एक बात बताइए, क्या चीजें इजीली चल जाती हैं क्या, है ना? अगर मान लीजिए आपके घर की बात ले लेते हैं, अपन बाहर कहीं नहीं जाएंगे, आपके घर में अगर मम्मी पापा कुछ बोल रहे हैं और उनकी मम्मी पापा यानी आपके दादा दादी कुछ बोल रहे हैं, अगर वो चीजें नहीं मानी जा रही, ठीक है, सब अपनी अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है चीजें कितने दिन चलेगी? लड़ाई झगड़े होने तय हैं, तय है क्या लड़ाई झगड़े होने? बिल्कुल वैसा ही होता है कि लड़ाई झगड़े होने तय होते हैं. अगर सेल में उसकी मेम्ब्रेन, मान लीजिए दादा दादी, प्लस उनके ऑर्गेनिलीज, मतलब हम लोग या आपके मम्मी पापा सब उसके ऑर्गेनिलीज में आ गए, अगर आपस में ऑर्गेनाइजेशन बना के वर्क नहीं कर रहे. अभी हम हमारी बात करें, कोचिंग की बिल्डिंग है, या हम माने कोचिंग के ऑनर्स हैं, ठीक है, जितने भी ऑनर्स हैं वो हो गए, प्लस वहां के कलीग्स हो गए, सब आपस में ऑर्गेन, और आप लोग बच्चों, आप लोग तो जुड़े ही हैं हमसे, सब मिलकर के आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे तो ही काम होगा, नहीं तो अगर एक भी कड़ी टूटी तो फिर लाइसोसोम जैसा आदमी पूरा चीज रप्चर कर देगा. चीजें समझ आ गई? तो चीजों को बिखरने नहीं देना, ऑर्गेनाइजेशन बना के चलना है. ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन बना के हम चल रहे हैं तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं है. चीजें क्लियर? नेक्स्ट, this cell thus has a basic structural organization. This helps the cell to perform functions like respiration, obtaining nutrition and clearing of waste material or forming new proteins. ठीक है, अब एक बात बताइए आप लोग मुझे, एक बात बताइए आप लोग मुझे, होता क्या है बच्चों, होता क्या है बच्चों, अगर अपन बात करें, जो सेल है और सेल के ऑर्गेनिली हैं, ये आपस में मिलकर तीन काम करते हैं. कौन कौन से मेनली? डाइजेशन. हमारी बॉडी में भी आप देखोगे तो कौन कौन से काम होते हैं, सबसे पहले खाना खाते हो क्या, उठते? रेस्पिरेशन. ठीक है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन प्लस और क्या होता है बच्चों? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, वेस्ट मटेरियल का एक्सक्रीशन,
एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटीरियल, ऑफ वेस्ट मटेरियल, ठीक है क्या? यही काम है सेल का। देख लो बच्चों, हम देख रहे हो कितनी स्पीड से सिलेबस हो रहा है अपना, कितनी स्पीड से काम हो रहा है अपना। दिख रही है चीजें, दिख रही है क्या? चलो, ये वैक्यूअल्स के बारे में था। नेक्स्ट था, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ये हो गए। क्या आ गया? कौन कौन से फंक्शन? रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन एंड क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, और दूसरी चीज क्या रह गई थी? फॉर्मिंग ऑफ प्रोटीन। क्या काम हो गया? यहाँ लिख लो, फटाफट से लिख लो फंक्शन जो है आपके फ्लो चार्ट में, एड ऑन कर लेना बच्चों। न्यूट्रिशन या डाइजेशन? क्या? न्यूट्रिशन और डाइजेशन, ठीक है। और क्या? रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन या एक्सक्रीट आउट वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल प्लस प्रोटीन का सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है बच्चों। क्लियर है क्या चीजें? फटाफट से नोट डाउन कर लो, ठीक है। ऐसे फ्लो चार्ट्स में पढ़ते हैं ना तो चीजें इजी हो जाती है, पता है। ऐसे कचरा पढ़ने की बजाय क्या करना होता है? देखो, एनसीईआरटी आप लोगों के पास ऑलरेडी है, मैं आपको ये सिखा रही हूँ कि एनसीईआरटी को रीड आउट कैसे करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको फर्स्टली ऐसा क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आपको चीजें क्लियर हो के हमें एनसीईआरटी से स्टडी करवाई जा रही है। क्योंकि फिर अपन क्या करेंगे, थोड़े चेंजेस लाएंगे, फटाफट फटाफट चीजें करेंगे, तो आपको एनसीईआरटी से रिलेट करना आना चाहिए कि हाँ ऐसे रिलेट हुआ था, एनसीईआरटी की कोई भी चीज, सिंगल चीज भी नहीं छूटी थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? दिस, अब देखो, दस द सेल इज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट ऑल्सो बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। ये पूरी चीज प्रूव कर दी सब चीजों से पढ़ करके हम, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन आता है तो आप चीजें समझाने के बाद वो वाला फ्लो चार्ट बैक जाएंगे हम, ये वाला फ्लो चार्ट बनाना है, समझाना है चीजें, क्लियर, आधी चीजें क्लियर हो जाएगी। सेल डिवीजन, ठीक है। न्यू सेल्स आर फॉर्म इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो और रिप्लेस या ओल्ड सेल, डेड सेल को, जो इंजर्ड सेल है उसको, एंड टू फॉर्म गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहली चीज, सेल मौजूद है लेकिन सेल को दूसरी सेल बनाने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिना चलने की वजह से सेल में प्रॉब्लम्स आ रही है। यू नो लाइसोसोम क्या कर रहा है? उसको रप्चर कर रहा है, ठीक है। अब चीजें अगर चल रही है, चीजें प्रॉब्लम में आ रही है, तो पहले वाली सेल अगर मर गई तो क्या कम्युनिटी खत्म हो जाएगी? भाई किसी कम्युनिटी का मेन मेंबर मर गया तो क्या कम्युनिटी खत्म हो जाएगी? सिंपल बात है। इसीलिए तो क्या फिनोमेना जरूरी है रिप्रोडक्शन का या नई चीजें बनाने का? चीजें क्लियर हो गई क्या? क्या जरूरी है कि चीजों की, सेल्स की, जो डेड सेल्स है, ओल्ड सेल्स है, उनकी इंजरी होने की वजह से, उनकी इंजरी होने की वजह से हमें उसका रिप्लेसमेंट करना है। क्या? रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड सेल, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड, या हम कह सकते हैं रप्चर्ड सेल बोल सकते हैं, ठीक है। आप ओल्ड सेल लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड सेल इंजर्ड, क्योंकि रप्चर मतलब तो पूरा खत्म हो गया है ना, इंजर्ड मतलब उसको कुछ दिक्कत हुई है, इंजर्ड सेल, इनके रिप्लेसमेंट के लिए। और दूसरी चीज, गैमीट के फॉर्मेशन के लिए। अब भाई गैमीट क्या है? रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें न्यू वन प्रोड्यूस होता है,
male and male, female, this is female, okay? मैं मतलब बोल कुछ और रही थी, और ये male है, ठीक है? ये नहीं होता इसमें, एक मिनट. मेल एंड फीमेल क्रॉस करके या आपस में मिल करके एक न्यू प्रोजेनी बना रहे हैं. उस प्रोजेनी को बनने के लिए रिक्वायरमेंट है किसकी? गैमीट्स की. किसकी रिक्वायर्ड है? गैमीट्स की. और वो गैमीट कब बनेंगे? वो गैमीट कब बनेंगे? जब नई सेल बनेगी, गैमीट फॉर्मेशन होगा. तो दो, अगर आपके क्वेश्चन आता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेल डिवीजन, तो क्या आप लिख लेंगे क्या? तो क्या आप लोग लिख लेंगे क्या सिग्निफिकेंस ऑफ सेल डिवीजन? सिग्निफिकेंस ऑफ सेल डिवीजन, क्लियर चीजें. नेक्स्ट, अब द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल आर मेड इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड सेल डिवीजन. देयर आर टू मेन टाइप ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है? अब सेल डिवीजन के कितने टाइप्स होते हैं? सेल डिवीजन के कितने टाइप्स होते हैं? सेल डिवीजन दो टाइप का होता है. That is ठीक है, याद कैसे रखोगे? What is mitosis and what is meiosis? Cells हमेशा ध्यान रखेगा, human body में basically cells होती है 2n. अब मैंने बेसिकली क्यों बोली? बिकॉज गैमीट सेल जो होती है वो एन होती है. टू एन और एन क्या? दिस क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड. टू एन मतलब डिप्लॉयड. टू एन इज इक्वल टू डिप्लॉयड, ठीक है? प्लॉयडी मतलब नंबरिंग. अगर टू लिखा है देन मीन्स डिप्लॉयड, ठीक है? ट्रिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड, ये ऐसा भी होता है, ठीक है? एन मतलब नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स. क्लियर चीजें. नेक्स्ट, अब माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर सेम बना रहता है, ठीक है? अगर 2n सेल है देन प्रोजेनी में भी क्या होगा? 2n. लेकिन मियोसिस में चीजें क्या हो जाती है? क्रोमोसोम क्या जाते हैं? आधे हो जाते हैं या हाफ हो जाते हैं. 2n से n बन जाता है मियोसिस में, ठीक है? क्लियर चीजें क्लियर. कैसे याद रखोगे? मियोसिस की स्पेलिंग में एम के बाद क्या आता है? ई आता है. ई मतलब एक, दो से एक बन गया, ठीक है? चीजें इजी हो जाएगी. नेक्स्ट, ये हो गया था अपना माइटोसिस एंड मियोसिस. देन द प्रोसेस ऑफ डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड टू ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस. अब हमने करना क्या है? हमने ग्रोथ की पर्पज से पता करना है चीजें डिवाइड कैसे होती है. ग्रोथ की पर्पज से चीजें डिवाइड कैसे होती है वो पढ़ना है. तो ग्रोथ की पर्पज से चीजें जब डिवाइड होती है तो बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस होती है. लेकिन अगर गैमीट फॉर्मेशन होना है, ठीक है, गैमीट सेल बननी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सेल को? उसके लिए सेल को गोइंग थ्रू होना पड़ेगा मियोसिस की प्रोसेस से. चीजें क्लियर. और मियोसिस में मैंने क्या आपको ट्रिक दी कि एम के बाद क्या आ रहा है? ई आ रहा है. दो से एक चीज बन रही है. चीजें क्लियर. माइटोसिस मियोसिस में डिफरेंस समझ आ गया. अब ईच सेल को क्या बोलते हैं हम? मदर सेल, क्योंकि जिससे चीजें निकल रही है, पैदा हो रही है या प्रोजेनी बन रही है, उसको क्या बोल रहे हैं? मदर सेल. आप हमेशा ध्यान रखिएगा चीजों का कि जो जब भी ओरिजिन की बात करते हैं हम हर चीज में मदर सेल यूज करते हैं, ठीक है? ठीक है, अब बोलोगे इसमें भी मैम फेमिनिज्म चल रहा है ना, कि हर चीज में किसको प्रायोरिटी मिल रही है? फीमेल्स को प्रायोरिटी मिल रही है, ठीक है? तो मदर सेल यानी पॉलन मदर सेल बोलते हैं. अभी भी क्या बोला हमने कि रिक्वायरमेंट किसकी है? मदर सेल की. मतलब
पेरेंट की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, मदर सेल यूज कर रहे हैं, ठीक है। मदर सेल से क्या बनेगी, न्यू सेल्स बनेगी या प्रोजेनी बनेगी जिसे हम कहते हैं। चीजें क्लियर, मतलब सेल जो है वो डिवाइड होके दो बन रही है माइटोसिस में, मियोसिस में भी ऐसा ही होगा, लेकिन मियोसिस में क्या होगा, क्रोमोसोम का नंबर हाफ रह जाएगा। और माइटोसिस क्या करता है, मेनली ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है चीजों की, तो जो 2n इसमें क्रोमोसोम नंबर है वही 2n यहाँ आएगा, वही 2n नंबर यहाँ आएगा, ठीक है। मतलब एक सेल से दो सेल बन रही है, क्यों रिक्वायरमेंट है, सबसे पहली चीज हमने जो पहले पढ़ लिया, ये आइए यहाँ पे, रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड सेल या इंजर्ड सेल, दूसरी गैमीट फॉर्मेशन के लिए रिक्वायरमेंट है, चीजें क्लियर। नेक्स्ट हम आगे बढ़े, माइटोसिस का क्लियर है, ग्रोथ क्या करने के लिए, ठीक है। तो माइटोसिस से क्या बनता है, टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बन रही है, फिर वही यहाँ भी फीमेल या मदर से क्या बन रही है, डॉटर सेल्स बन रही है, ये मदर और मदर से क्या बन रही है, डॉटर सेल्स बन रही है, ठीक है। और उसमें क्या है कि वो फॉर्म करती है डॉटर सेल्स, द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज मदर सेल, ठीक है। तो मतलब जो डॉटर सेल है उसकी नंबर क्या रह रहे हैं, 2n से मदर सेल की तरह 2n ही रह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो क्या हो रहा है, इसमें चल क्या रहा है, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू। हम लोग पहले ये चीज स्टडी कर चुके हैं कि करता क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है रिप्लेसमेंट करने का और नई चीज बनाने का। तो दो चीजें आ गई हमारे पास, क्या, ग्रोथ प्लस रिप्लेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट तो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि दो चीजें बेसिक रिक्वायरमेंट है, रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड सेल एंड नेक्स्ट क्या है, गैमीट फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम बात करें तो दो चीजें हो गई कि मदर से डॉटर बन रही है और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मियोसिस। माइटोसिस में क्या पढ़ा हमने, 2n से 2n ही दो सेल्स बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमें गैमीट फॉर्मेशन की बात करें तो मियोसिस प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, दे डिवाइड बाय डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस विच इन्वॉल्व्स टू कंसेक्यूटिव डिविजन्स, कौन कौन से, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, दो प्रोसेस होती है। व्हेन ए सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस इट प्रोड्यूस फोर न्यू सेल इंस्टेड ऑफ टू, ये देखिए एक सेल है इससे दो बनी, दो से और बनी कितनी, चार, ठीक है। मतलब एक सेल से बेसिकली कितनी बनी, एक सेल से कितनी बनी, चार सेल्स बनी। द न्यू सेल्स ओनली हैव हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Can you think as why chromosome number has been reduced in daughter cell? तो बच क्या रहा था हमारे पास, what you have learned in this chapter? First चीज क्या है, the fundamental organization unit of life is called what? Cell. सबको पता है ये चीज कि fundamental unit of life क्या होती है, cell होती है। Second चीज कि क्या होता है, cells are enclosed by plasma membrane and composed of lipid and protein. Clear है चीज कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, सेल की आउटर कवरिंग है। क्या है बच्चों, सेल की आउटर कवरिंग है जो किसकी बनी है, लिपिड बायलेयर एंड प्रोटीन की। ये हम लोग इस चैप्टर में ऑलरेडी गोइंग थ्रू हो चुके हैं। थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें तो क्या है, द सेल मेम्ब्रेन इज एन एक्टिव पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक एक्टिव पार्ट है सेल का और वो क्या करती है, रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द ऑर्डर्ड इंटीरियर ऑफ द सेल आउटर एनवायरनमेंट। मतलब सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, आउटर एनवायरनमेंट से सेल को प्रोटेक्ट करती है बोल सकते हैं, या फिर आउटर एनवायरनमेंट से सेल को बचा के रखती है ताकि दूसरी चीजें उसमें इन्वॉल्व हो, तो कैसे हो कैसे नहीं हो, ठीक है, कौन सी चीजें अंदर आनी चाहिए कौन सी चीजें नहीं आनी चाहिए, ये सब चीजें इंक्लूडेड है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम, इन प्लांट सेल्स इज सेल वॉल, व्हाट इज दिस, सेल वॉल मेनली ऑफ सेल्युलोज इज लोकेटेड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। कहां होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ सेल्यूलोज से बनी हुई एक लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। ये डायग्राम से क्लियर है, दिस इज सेल, दिस इज वॉल मीन्स सेल वॉल,
और दिस इज मेम्ब्रेन. ठीक है क्या? ओके. नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ दिस सेल वॉल इनेबल्स द सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंगाई एंड बैक्टीरिया टू एग्जिस्ट इन हाइपोटोनिक मीडिया विदाउट बर्स्टिंग. तो यही चीज जो होती है, ये बैक्टीरिया को और वॉट फंगाई को और प्लांट्स को आराम से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक मीडिया में बिना बर्स्टिंग हुए, बिना उसको फूटे, आराम से रहने देती है. क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि हाइपोटोनिक, 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 हाइपोटोनिक ऑस्मोसिस, ये सारी प्रोसेसेस कंडक्ट कौन करवा रही है? वो करवा रही है कौन? वो कौन करवा रही है? दैट इज सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, लेकिन यहाँ पे आउटर कवरिंग क्या है? वॉल है, तो वो वाला फिनोमिना काम नहीं करेगा. नेक्स्ट, द न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स is separated from the cytoplasm by double layered membrane and it directs the life processes of the cell. क्या हुआ कि यूकैरियोट्स जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए वो क्या करता है, साइटोप्लाज्म से सेल को सेपरेट करता है और जो चीजें हैं लाइफ प्रोसेस में चलने वाली प्रोसेसेस हैं वो कंडक्ट होती है किसके थ्रू, न्यूक्लियस के थ्रू. नेक्स्ट, नेक्स्ट, द ईआर फंक्शन बोथ एज पास इज वे, मतलब पास वे करवाने का, एंड दूसरी चीज इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट का काम करती है. ठीक है, क्या काम कर रही है? दो काम कर रही है, एक तो पैसेजिंग करवाने का. ठीक है, चीजों को पैसेंजर, पैसेंजर, पासेज वे, किसी को मतलब वे प्रोवाइड करते हैं ना, पासेज प्रोवाइड करते हैं कि पास आपको प्रोवाइड किया, अब आप निकल जाओ. ठीक है, तो वो वाला काम कर रही है, ट्रांसपोर्ट का काम कर रही है और मैन्युफैक्चरिंग कर रही है. किसकी? राइबोसोम के थ्रू, राइबोसोम के थ्रू प्रोटीन की एंड लिपिड की. जहां पे राइबोसोम नहीं होंगे वहां क्या होंगे? लिपिड होंगे. ठीक है, और SER कहलाएगी वो क्या? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें गॉल्जी एपरेटस जो है उसमें क्या होते हैं, स्टैक्स होते हैं और मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल प्रेजेंट होते हैं. स्टैक्स मतलब ऐसी स्ट्रक्चर को स्ट्रक्स बोलते हैं और वेसाइकल प्रेजेंट रहेंगी और क्या रहेंगी, ये काम क्या करते हैं, स्टोरेज का, मॉडिफिकेशंस का एंड पैकेजिंग का. ये अच्छे से नोट कर लेना बच्चों आप कि गॉल्गी बॉडी क्या मेन इंपॉर्टेंट काम करती है, स्टोरेज का, पैकेजिंग का और तीसरी चीज क्या है, मॉडिफिकेशन का. ठीक है, इसके बाद मोस्ट प्लांट सेल्स हैव लार्ज मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्लास्टिड. मतलब कुछ ऑर्गेनेल्स में एक लार्ज मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, प्लास्टिड बोलते हैं, और जिसकी वजह से ही प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस एक तरफ किनारे पे सेपरेट करके धकेल दिया जाता है, छोटा होता है, क्योंकि ये सारा स्पेस जो है वो क्या कर लेती है, कवर कर लेती है. और ये दो टाइप के, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ये मैं आपको बता चुकी हूँ. ल्यूको मतलब कलरलेस, क्रोमो मतलब कलरफुल. क्रोमोप्लास्ट दैट कंटेन क्लोरोफिल दैट आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट एंड दे परफॉर्म वर्क ऑफ व्हाट, फोटोसिंथेसिस. क्लोरोप्लास्ट क्या वर्क करता है, फोटोसिंथेसिस का वर्क करता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इज क्या है, स्टोरेज है. स्टोरेज किसका, स्टोरेज किसका, तीन चीजें, लिपिड, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट. लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का, कार्ब्स लिख देती हूं मैं. ठीक है, कार्ब्स का. ठीक है, नेक्स्ट, मोस्ट मैच्योर प्लांट सेल्स हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल दैट हेल्प टू मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ दिस सेल एंड स्टोर्स इंपॉर्टेंट सब्सटेंस इंक्लूडिंग वेस्ट. मतलब क्या होता है, एक जो लार्ज वैक्यूल है, जो लार्ज वैक्यूल है वो हेल्प किस में कर रही है, वो हेल्प कर रही है टर्जिडिटी मेंटेन करने में, सेल का जो स्ट्रक्चर है वो बर्स ना हो. दिस इज कॉल्ड व्हाट, टर्जिडिटी. ठीक है, इसको मेंटेन करने का काम कौन कर रही है, दैट इज व्हाट, दैट इज वैक्यूल, दैट इज वैक्यूल. वैक्यूल क्या कर रही है कि वो मेंटेन करती है सेल की टर्जिडिटी प्लस उसमें स्टोरेज होना और वेस्टेज मटेरियल को बाहर निकलना.
ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी अगर नहीं लिखा हो तो एक नोट कर लेना स्टार मार्क करके कि वैक्यूल का काम क्या होता है। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक सेल जो है उनमें क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, तो उसमें क्या होंगे, उनके क्रोमोसोम क्या होंगे, ओनली न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड के बने होंगे, और क्या होंगे, जो राइबोसोम होंगे वो बहुत छोटे छोटे होंगे। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, कोई भी किसी भी तरीके के मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। तो ER वगैरह क्या होती है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, अगर ये मौजूद नहीं है तो राइबोसोम के छोटे छोटे प्रेजेंट रहेंगे ऐसे ही, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी कि वो न्यूक्लिक एसिड के बने होंगे क्रोमोसोम, केवल और केवल किसके, न्यूक्लिक एसिड के बने होंगे। नेक्स्ट, सेल इन ऑर्गेनिजम्स डिवाइड फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ठीक है। क्या सेल क्यों डिवाइड करती है, बॉडी की ग्रोथ के, ताकि रिप्लेस हो सके टॉन्ड और रिप्लेसिंग, देखो रिप्लेसिंग डेड सेल और गैमेट सेल का फॉर्मेशन, हमने दो चीजें बोली थी कि सेल डिवाइड क्यों करती है, सिर्फ दो चीजों के लिए, एक रिप्रोडक्शन करने के लिए या गैमेट प्रोडक्शन के लिए, दूसरी चीज किसके लिए, रिप्लेस करने के लिए, किसको, डेड सेल्स को, ठीक है। क्लियर है यहां तक, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सरसाइजेस, ठीक है। अब आपको ये एक्सरसाइजेस जो है बैठ करके करनी है, जो हम करवा चुके प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल में डिफरेंस, ये हो चुका है आपको करना है। एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस एक टेबल बना लेना, हो चुका है, वापस रिवाइज करके करोगे हो जाएगा। व्हाट वुड हैपन इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर और ब्रेक डाउन, कोई भी ऑर्गेनिज्म या कुछ भी चीज रप्चर होती तो क्या होता है, लाइसोसोम उसको खा जाता है, ठीक है। हिंट दे दिया, आगे आप लोगों को करना है। व्हाट वुड बी हैपन लाइफ इज सेल इफ देयर वॉज नो गोल्गी बॉडी अपैरेटस, पैकेजिंग होगी क्या, मॉडिफिकेशन होंगे क्या, कुछ नहीं होगा, तो फिर अब पता किस चलेगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या ले रहा है, कुछ पता नहीं चलने वाला। नेक्स्ट, Which organelle is known powerhouse of the cell and why? That is what? Mitochondria. Mitochondria is the powerhouse of the cell. क्यों? क्योंकि ATP का production कर रहा है, semi autonomous organism है, organelle है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को फटाफट से क्लियर करनी है, ये हो गया। Next, where do the lipids and protein constituting The cell membrane gets synthesized. मतलब लिपिड और प्रोटीन कहाँ कहाँ मौजूद होती है, SER और RER से निकलती हैं, ठीक है, कहाँ का प्रोडक्शन होता है, बाद में क्या होता है, लिपिड और इसकी प्रोटीन की बाईलेयर से बनी होती है क्या, मेम्ब्रेन, कंसिस्ट ऑफ वॉट, मेम्ब्रेन, ठीक है, क्लियर चीजें। नेक्स्ट, हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन फूड, स्यूडोपोडिया कैसे बनता है, स्यूडोपोडिया हम डिस्कस कर चुके हैं, वापस नहीं करेंगे, आप रिवाइज करेंगे, नहीं समझ आ रहा वीडियो वापस देखेंगे। ऑस्मोसिस क्या है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन बाय द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज सेमी परमिएबल, दैट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, ठीक है, ऑस्मोसिस, क्लियर चीजें। नेक्स्ट पहुंचे हम, नेक्स्ट, टेक 4 पील पोटैटो हाफ एंड स्कूप ईच ऑफ द वन आउट, मतलब करना क्या है इस एक्टिविटी में, पोटैटो लेना है, स्कूप आउट निकालना है किसको, ठीक है, इसको स्कूप आउट करना है अपने को इसको, और ईच पोटैटो की कप में क्या होगा, वॉटर होगा। अब हमको करना क्या है इसके अंदर, इसमें एक्चुअली एक्टिविटी ये है कि हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक दो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं, तो ये सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग क्या चीजें, पानी के अकॉर्डिंग चीजें अंदर जा रही है बाहर जा रही है, इन्होंने पहले शुगर रखा, सॉल्ट रखा, फिर क्या रखा, शुगर रखा बॉइल्ड पोटैटो के अंदर, ठीक है, और फिर इसको ऑब्जर्व करना है चीजों को, ठीक है। एक चीज है, अगर वाटर की कंसंट्रेशन सेल में ज्यादा है तो पानी बाहर निकलेगा, ठीक है, साइमल्टेनियसली अगर कंसंट्रेशन सेल में कम है तो क्या होगा, सेल में कम है तो पानी अंदर आएगा, चीजें क्लियर। और अगर मैं उसकी सॉल्यूशन के अंदर किसी सॉल्यूट पार्टिकल को बढ़ा देती हूं तो ऑटोमेटिकली सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, चीजें क्लियर। मतलब हुआ क्या, अगर मैं
एक शक्कर और पानी का घोल बना रही हूँ मैंने। अगर 10 ग्राम जो है शुगर ली और बाकी का 90%, मतलब 10% मैंने क्या ली, शुगर ली और 90% वाटर है, ठीक है, कंसंट्रेशन ज्यादा है। लेकिन जैसे ही मैं इसकी कंसंट्रेशन, अपन को बनाना कितना है 100%, ठीक है। अब 100% मेंटेन रखने के लिए अगर मैंने इसको 5 से बढ़ाया तो ये ऑटोमेटिकली 5 से कम हो जाएगा, चीजें क्लियर। तो उस अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन पे डिफर करेगी कि हाइपोटोनिक का मूवमेंट कैसा हो रहा है, चीजें क्लियर, चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ। मैंने बताया था माइटोसिस, माइटोसिस इज रिक्वायर्ड फॉर व्हाट, ग्रोथ एंड रिपेयर, ग्रोथ के लिए, ठीक है। और गैमेट फॉर्मेशन के लिए कौन सा होता है, मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस में मेन डिफरेंस क्या है, माइटोसिस से जब सेल डिवाइड होगी तो 2NC2N दो सेल्स बनेगी, लेकिन मियोसिस से 2N से N सेल बनेगी। 2N और N क्या है, क्रोमोसोम का नंबर है, दैट इज 2N मींस डिप्लॉइड एंड N मींस हैप्लॉइड, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है किसमें, मियोसिस के अंदर, चीजें क्लियर। और एक से कितनी सेल बनेगी, 4, वहां कितनी बनेगी, 2। तो ये आपकी क्या पढ़ी थी हमने, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब बच्चों मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, अगर आपके कई सबकॉन्शियस माइंड में अगर फिट हो तो सबसे पहली चीज क्या होती है, सेल होती है, ठीक है। द फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल है। अब आधी रात को भी अगर कोई उठा के पूछ लेना तो याद होना चाहिए कि क्या है वो, ठीक है, क्या है वो, सेल है। सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है। किसकी बात कर रहे हैं सबसे पहले हम, ये जो हम बात कर रहे हैं ये हम किसकी कर रहे हैं ये पता होना चाहिए। ये हम बात कर रहे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, किसकी बात कर रहे हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। क्या होता है, सेल से क्या बन रहा है, टिश्यू बन रहा है, टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा, ठीक है, ऑर्गन बनेगा किसमें, मल्टी सेलुलर में, क्योंकि सिंगल सेलुलर में तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि सिंगल सेलुलर में क्या होता है, सिंगल सेलुलर में एक ही सेल सारे काम करती है, ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगी, ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगी, बॉडी बनेगी, या ह्यूमन बॉडी में बात करूं तो वो बनेगी, प्लांट भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम किसकी बात करते हैं, जनरली किसकी बात करते हैं, ह्यूमन की बात करते हैं अगर जूलॉजी में कर रहे हैं, ठीक है। दो चीजें हो गई, बॉडी भी, प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्लियर हो गई चीजें इतनी बच्चों।